जहां एक ओर पूरे भारत में स्वाइन फ्लू पांव पसार चुका है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश भी इस रोग से अछूता नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के 28 जिले स्वाइन फ्लू के जद में आ चुके हैं। 28 जिलों में अब तक 420 केस स्वाइन फ्लू के आए हैं। वहीं लखनऊ में स्वाइन फ्लू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग का संचारी रोग विभाग कमर कस चुका है। अभी तक हम लोगों ने 9 फरवरी तक के आंकड़े हमारे कहते हैं कि 421 केसेस हमारे प्रदेश में हुए हैं, जिसमें से दुर्भाग्यवश 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। मेरठ सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहां पे 169 केसेस हैं, गाजियाबाद में 79 केसेस हैं और लखनऊ में 59 केसेस हैं। बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 28 डिस्ट्रिक्ट्स टोटल हैं, जिनमें 10 से 20 के बीच के केसेस निकले हैं। कुछ जनपदों में एक एक केसेस भी हैं पाए गए हैं। तो इस प्रकार से कुल 28 जनपद हैं जहाँ पे कि स्वाइन फ्लू के केसेस की पुष्टि हुई है। क्या वजह है कि स्वाइन फ्लू के जो मरीज हैं वो लगातार? स्वाइन फ्लू का संक्रमण जो होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका जो बीमारी फैलती है, उसके पीछे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो कि हमारे बातचीत करने से, खांसी करने से, छींकने से या मुख्य सिक्रीशन से दूसरे व्यक्तियों में जाता है। जिन लोगों के बीच में उठता बैठता है, जिन लोगों के बीच में आता जाता है, बाजार में, ट्रक में, बसेस में, ट्रेन में, कहीं भी वो संक्रमण दे सकता है। तो इस वजह से इसका संक्रमण फास्ट होने की वजह से इस बीमारी का कुछ प्रसार हो गया। और सभी वायरस जनित बीमारियाँ किसी खास मौसम में, जब उनके वायरस को फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तापमान और ह्यूमिडिटी वातावरण की, तो वो फैलने की संभावना बढ़ जाती है।